स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स में ऐसा है कि हमने ये देखा था कि स्ट्रेस इज ए टेंसर ऑफ ऑर्डर टू, ये आपको बताया गया था, और ये भी बताया गया था स्ट्रेस इज ए सिमेट्रिक टेंसर। अब हम आगे देखेंगे कि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है और ऑर्डर टू की टेंसर क्वांटिटी है। इसके लिए हम ये देखेंगे इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने पर ये कैसे चेंज होता है। और आप जानते हैं कि टेंसर क्वांटिटी का ऑर्डर इस पर डिफाइन होता है, इससे पता चलता है कि उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो किस ट्रांसफॉर्मेशन के रूल को फॉलो करता है। तो यहां पर जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं, होल्ड करते हैं, जो कि टेंसर ऑफ ऑर्डर टू के लिए होता है। इससे ये प्रूव होगा कि स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर टू, एक बात। दूसरी, इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये दोनों बातें इसमें आ जाएंगी। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस कंपोनेंट्स। तो स्ट्रेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं हम जानते हैं कि 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम देखते हैं 9 कंपोनेंट्स होते हैं, और ये थ्री डायमेंशनल केस में 9 कंपोनेंट होते हैं, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड, जेड वाई, वाई वाई, जेड जेड। इसके अलावा ये जो कंपोनेंट होते हैं, ये हमने देखा कि ये चूंकि सिमेट्रिक होता है तो ये सेम होते हैं, ये 9 कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये आपस में बराबर है, ये कंपोनेंट्स आपस में बराबर है, ये हमने देखा था। तो जो 9 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें 3 आपस में बराबर होते हैं, तो इनको स्टडी करने के बजाय ये स्टडी कर लेंगे, एक ही बात है। अब ये थ्री डायमेंशन केस में है, जब आप एक्स वाई जेड स्पेस में है। अगर हम टू डायमेंशनल प्लेन में क्यों रहे जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है, टू डायमेंशनल प्लेन में फ्लो का मतलब ये है कि जो हाइट है वो यूनिट विथ हम अब ले लेते हैं, वो उसमें इनबिल्ट रहती है, यानी जो हाइट है, क्योंकि वॉल्यूम तो होना जरूरी है फ्लो के लिए। तो टू डायमेंशनल प्लेन में जब हम फ्लो की बात कहते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसमें यूनिट हाइट अपने आप इनबिल्ट है, कहें या ना कहें, यानी सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर, मीटर में है तो 1 मीटर, जो भी सिस्टम लेते हैं, तो यूनिट हाइट इनबिल्ट है उसके अंदर। तो टू डायमेंशनल प्लेन में मान लीजिए फ्लो है तो उसमें z एक्सिस को कंसीडर नहीं करते, यानी z के साथ कोई चेंज होगा नहीं उसमें। तो यहां पर जो ये हमारे स्ट्रेस कंपोनेंट्स मिलेंगे वो ये होंगे, ये होंगे। तो ये 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हमें देखने हैं, बाकी सब में जहां जहां z है वो हम लेंगे नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो ये 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, ये हैं, ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए हम इन 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स की बात करेंगे, पी एक्स एक्स, पी एक्स वाई, पी वाई वाई, ये 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स। तो हम इन 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स को टू डायमेंशनल स्पेस में देखेंगे, टू डायमेंशनल प्लेन में देखेंगे, और इनका लॉ ट्रांसफॉर्मेशन देखा जाएगा, यानी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि जिसमें एक्सिस एक्स और वाई है, उससे हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और देखेंगे कि इनके कंपोनेंट्स कैसे चेंज होते हैं।
तो माना कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई, और नया सिस्टम जो हमने लिया है उसमें एक्सिस है ओ एक्स डैश ओ वाई डैश, और ये एक सर्टेन एंगल पर रोटेट करने से मिली है, यानी ओ एक्स डैश और ओ वाई डैश ओ एक्स और ओ वाई को थीटा एंगल पर रोटेट करने से मिला है। तो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम को थीटा एंगल पर रोटेट करने से मिला है। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑर्थोगोनल है, यानी एक्सिस से एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, और दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ऑर्थोगोनल है, एक्स डैश वाई डैश एक्सिस से भी एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो हम एक ऑर्थोगोनल सिस्टम से दूसरे ऑर्थोगोनल सिस्टम में जाए, यहां हमने बहुत सिंपल केस लिया है जिसमें नए और पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में केवल एंगल का फर्क है, यानी रोटेट करने पे मिल गया। इससे कॉम्प्लिकेटेड केस भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमें ये केवल दिखाना है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंपोनेंट्स का कैसे होता है, और स्ट्रेस जो है वो सेकेंड ऑर्डर का टेंसर है, यानी एक सर्टेन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है। तो हम इसमें कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, हम आपको जो चीज प्रूव करनी है उसके लिए जो सिंपलेस्ट जो आसान तरीका है जो आसान केस है उसको कंसिडर कर लिया है। थ्री डायमेंशन केस भी हमने नहीं लिया, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए टू डायमेंशनल केस ले लिया है। तो माना कि ये जो लाइन है ओ एक्स डैश, इसके डायरेक्शन कोसाइन है एल वन एम वन, यानी कि ये लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है थीटा, उसका जो कोसाइन है वो एल वन है, यानी एल वन होगा कॉस थीटा, और ये लाइन जो वाई एक्सिस से एंगल बनाएगी उसका जो कोसाइन होगा वो एम वन है, यानी कि एम वन होगा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा। और इसी तरीके से इस लाइन के ओ वाई डैश, इसके डायरेक्शन कोसाइन मान लीजिए है एल टू एम टू, तो एल टू है ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उसका कोसाइन, यानी कि कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, दिस मीन्स माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और एम टू का मतलब हुआ कॉस थीटा जो वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा, ये है। तो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स ओ वाई में माना कि जो है कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस के पी एक्स एक्स पी एक्स वाई पी वाई वाई, और नए कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स डैश वाई डैश में जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं वो मान लिया है पी एक्स डैश पी वाई डैश वाई डैश पी वाई डैश वाई डैश, ये है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ये हमें जानना है, लॉ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यानी एक में मालूम है तो दूसरे कैसे मालूम होंगे, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कंपोनेंट्स पता चलेंगे, यही रिलेशन देखना है। तो हम लोगों ने एक रूल देखा था स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए, जिसमें देखा था कि अगर किसी सरफेस पर स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट मालूम है, तो किसी पॉइंट पर अगर स्ट्रेस के 9 कंपोनेंट मालूम है तो उस पॉइंट पे किसी भी सरफेस पे जिसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो उस पर स्ट्रेस मालूम हो जाएगा। तो इस पॉइंट ओ पर ये स्ट्रेस कंपोनेंट हमें मालूम है, टू डायमेंशन के केस में 3 ही कंपोनेंट होंगे 9 नहीं होंगे, तो इस पॉइंट पर ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स हमें मालूम है, तो इस पॉइंट पर किसी भी सरफेस पर, यानी ऐसा सरफेस जिस पर नॉर्मल ओ एक्स डैश हो उस पर भी स्ट्रेस कंपोनेंट मालूम हो जाएंगे इनके टर्म्स में, बशर्ते उस सरफेस पर नॉर्मल के डायरेक्शन को साइन मालूम है तो वो मालूम है।
इसी तरीके से इसी पॉइंट पर वो सरफेस जिस पर नॉर्मल वो वाइड एस है उस पर भी स्ट्रेस कंपोनेंट मालूम हो जाएंगे, अगर इस पॉइंट पर ये तीन स्ट्रेस कंपोनेंट मालूम है। तो उस रूल को जो हम लोगों ने डिराइव किया था उसको हम यूज करेंगे। स्ट्रेस कंपोनेंट्स एट पॉइंट ओ ऑन द सरफेस हैविंग नॉर्मल ओ एक्स डैश इन एक्स एंड ओ एक्स एंड ओ वाई डायरेक्शन आर, यानी फोर्स की डायरेक्शन एक्स और वाई एक्सिस के अलावा है और सरफेस की डायरेक्शन ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में है। तो इस पर जो कंपोनेंट होंगे वो देखिए, ये नॉर्मल की डायरेक्शन है और फोर्स की डायरेक्शन हमने ये कही है एक्स और वाई एक्सिस के। तो वहां जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे, ये होगा पी एक्स एक्स पी एक्स वाई पी वाई एक्स होगा यहां पे जो कि एक्स वाई के सेम ही होता है। तो यहां पे वाई एक्स और डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल दैट आर एल वन एम वन, इस रिजल्ट को यूज करेंगे। तो ये हमको मिलेगा पी एक्स डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहां से ये हो गया। तो ये स्ट्रेस उस सरफेस पे है जिस पर नॉर्मल ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में है और फोर्स एक्स और वाई के अलोंग है, ये वो कंपोनेंट्स हैं। अब हमें चाहिए ये, यानी कि नॉर्मल एक्स डैश की डायरेक्शन में हो और फोर्स एक्स डैश की डायरेक्शन में हो, नॉर्मल एक्स डैश की डायरेक्शन में हो फोर्स वाई डैश की डायरेक्शन में हो, यानी कि एक्स डैश और वाई डैश की ही डायरेक्शन में नॉर्मल हो और फोर्स हो। तो ये जो कंपोनेंट मिले हैं इन डायरेक्शंस में और ये दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, नो ये है इस डायरेक्शन में, ये तो ये वो फोर्सेस हैं जो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं उस प्लेन पे जिस पर नॉर्मल ओ एक्स की ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में। अब हम इन फोर्स के कंपोनेंट इनकी डायरेक्शंस में ले लेते हैं। resolving
इन ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लें, क्या मिलेगा हमको? ये कंपोनेंट मिलेगा। कैसे? फोर्स भी ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में, सॉरी नॉर्मल भी ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में, फोर्स भी ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में। कैसे? ये जो कंपोनेंट है इस पर नॉर्मल ओ एक्स डैश की डायरेक्शन में है, फोर्स एक्स और वाई की डायरेक्शन में है। इसका कंपोनेंट इस फोर्स का ले लेते हैं इधर इसकी डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट इधर होगा पी एक्स डैश एक्स कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी एल वन, एल वन प्लस इसका कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में पी एक्स डैश वाई और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि एम वन। दिस तो ये वैल्यूज रख लीजिए। प्लस दिस इज ये दोनों मालूम है हमें सेम होता है, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स एम वन एल वन पी एक्स वाई, टू टाइम्स प्लस पी वाई वाई एम वन स्क्वायर। तो पी एक्स डैश इज दिस, यानी कि ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स अगर मालूम हो तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट मालूम हो जाएगा, यही हमें चाहिए था कि लॉग ट्रांसफॉर्मेशन क्या। तो अभी तो इसके लिए पता चला, अभी बाकी और देखना है तो उनको भी देख लेते हैं। तो इसी तरीके से सिमिलरली पी एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, पी एक्स डैश वाई डैश क्या होगा, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन एक्स डैश और फोर्स की डायरेक्शन वाई डैश है, वाई डैश के अलावा। तो यही जो फोर्स थे इनको वाई डैश की डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए तो मिल जाएगा इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दिस और इसका डायरेक्शन को साइन एल टू एम टू, यानी कि ये इससे जो एंगल बनाते हैं उसका कोसाइन एल टू है, इसका इसके साथ पी एक्स डैश वाई एम टू। और ये वैल्यूज रख लीजिए, जो भी रिलेशन वन और टू हमने पता किया था उससे ये वैल्यू रख लीजिए, वन और टू से ये वैल्यूज आ जाएंगी पी एक्स एक्स एल वन पी वाई एक्स एम वन और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई एल वन प्लस पी वाई वाई एम वन मल्टीप्लाइड बाई एम टू। इसको एक्सपेंड करने पर हमको मिलेगा पी एक्स एक्स
एल वन एल टू, और देखिए ये दोनों सेम होंगे, एल टू एम वन एम टू एल वन, तो पी एक्स वाई एम वन एल टू एल वन एम टू प्लस पी वाई वाई एम वन एम टू, तो ये कंपोनेंट भी मालूम हो गया। अब इसको देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, नॉर्मल वाई डैश डायरेक्शन में इस पर हमको कंपोनेंट चाहिए, तो फिर हम अपने पुराने रूट पे जाते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, देखिए स्ट्रेस कंपोनेंट्स अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई ऑन द सरफेस हैविंग नॉर्मल ओ वाई डैश, ये होगा देखिए पी वाई डैश फोर्स एक्स और वाई के अलावा, इसका रिलेशन होगा इससे एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई 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 और इसके डायरेक्शन को साइन, ये है एल टू एम टू, इनको स्पेन करके लिख लेंगे तो ये हो जाएगा इस दिस, ये हो गया। अब ये है फोर्स कंपोनेंट यानी स्ट्रेस कंपोनेंट अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स और वाई डायरेक्शन में, यानी पी एक्स डैश पी वाई डैश एक्स और पी वाई डैश वाई, इनके कंपोनेंट ले लीजिए वाई डैश की डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा और इसी डायरेक्शन में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, तो वो मिलेगा आपको पी वाई डैश इज इक्वल टू इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन को साइन है एल टू, इसी तरीके से इसका इस डायरेक्शन में हो जाएगा एम टू, ये वैल्यूज यहां से रख लीजिए, तो ये रखने के बाद आपको मिलेगा ये वैल्यूज रख लीजिए एल टू पी एक्स एक्स एम टू वाई एक्स और ये वैल्यू हो गई एल टू, इसी तरीके से ये एल टू एक्स वाई एम टू वाई वाई और ये वैल्यू हो गई एम टू,
अब ये हो गया सिंप्लीफाई करने के बाद एल टू स्क्वायर पी एक्स एक्स और ये दोनों सेम है तो टू टाइम्स एल टू एम टू पी एक्स वाई एम टू स्क्वायर पी वाई तो ये रूल हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रेस कंपोनेंट से। तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स अगर मालूम है तो ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स यानी एक्स वाई प्लेन में अगर मालूम है तो एक्स डैस वाई डैस प्लेन में कंपोनेंट क्या होंगे उसी पॉइंट पर, अगर किसी पॉइंट पर ये स्ट्रेस कंपोनेंट्स मालूम है तो उसी पॉइंट पर दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन पे दूसरे सिस्टम में स्ट्रेस कंपोनेंट्स में क्या रिलेशन होगा वो याद होगा। दिस इज द रिलेशंस क्वेश्चन वन टू एंड थ्री दीज आर द रिलेशंस। तो इन रिलेशंस को अगर आप देखेंगे गौर से तो कुछ और भी देखेंगे। उसको हम देखना चाहते हैं ये तो एक बात हो गई। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ये दिखाता है These are the law of transformation of tensor of order 2. These are the equation 1, 2 and 3 shows that stress components that law of transformation of stress components is same as tensor of order 2. Therefore, स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर टू स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर टू। ये एक बात हो गई और ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बताता है कि क्या है। इसके अलावा हम कुछ इनवेरियंट्स इसमें देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने पर स्ट्रेस की क्या क्वांटिटी है, क्या है जो चेंज नहीं होता। ये देखिए क्या है जो चेंज नहीं हुआ। ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं हम इसको यहां पर फिर से देखें। दिस इज सॉरी एक्स डैश वाई डैश एक्स डैश एक्स डैश इज पी एक्स एक्स एल वन इज व्हाट कॉस देयरफॉर दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा टू एम वन एल वन कॉस थीटा साइन थीटा पी एक्स 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 वाई एंड दिस इज एम वन मीन्स साइन स्क्वायर थीटा पी वाई वाई। इसी तरीके से ये देखिए
कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एक्स एक्स प्लस एम वन एल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा एल वन एम टू कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी एक्स 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 वाई एम वन एम टू साइन थीटा कॉस थीटा वाई डैश वाई डैश कॉस स्क्वायर थीटा एल वन एम टू एल टू एम टू एल टू एम टू इज साइन थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस पी एक्स एम टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई वाई ये है। तो इसमें देखिए लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरीके से लिख लिया कि अगर एक से दूसरे में जाएंगे और यहां पर हम रोटेशन करके गए हैं एक्सिस का, लेकिन इन जनरल भी ये रिजल्ट ट्रू होगा जो हम अभी प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए पी स्ट्रेस इन वेरिएंट्स है, इनको कहते हैं स्ट्रेस इन वेरिएंट्स, जो बदलते नहीं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने पे। तो पहला इनवेरिएंट है जो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं, इनको नॉर्मल कहते हैं, जो नॉर्मल की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक हो। तो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स को जोड़ा जाएगा तो क्या है, यहां देखिए इनको अगर ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड करिएगा साइन होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। एल टू स्क्वायर एल टू स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा, बस तो इनको जोड़ लीजिए। तो यहां देखेंगे कि यू गेट एक्स एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या मिलेगा वाई वाई, यानी नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स का जो सम है या डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट्स का जो सम है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे तो वह सम, ये सम आपस में बराबर होता है। यानी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्ट स्ट्रेस सम डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट्स का सम, दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट्स के सम के बराबर हुआ, यानी वो बदलता नहीं है। तो ये एक इनवेरिएंट हो गया, इसको आई वन से जनरली डिनोट करते हैं। आई वन इज द सम ऑफ नॉर्मल और डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट और ये बदलता नहीं है।
इसी तरीके से हम देख सकते हैं दूसरा इनवेरिएंट आई टू, वो ये है, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट का प्रोडक्ट माइनस शियर स्ट्रेस कम यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस कम स्ट्रेस कंपोनेंट्स का स्क्वायर। ये अगर डिफरेंस लिए तो देखेंगे कि ये दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी सेम होगा, ये सेम होगा, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें डिटेल में नहीं है। ये दूसरा इनवेरिएंट है, तो ये स्ट्रेस इनवेरिएंट से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाने पर बदलते नहीं है, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेस इनवेरिएंट्स। और ये हमने टू डायमेंशन के लिए देखा, अगर हम थ्री डायमेंशनल केस में जाएं जहां नौ कंपोनेंट हमें मिलते हैं तो वहां पर भी देखेंगे सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट जिसमें एक और आ जाएगा पी एक्स पी जेड से, तो वो भी सेम होगा। इसी तरीके से अगर वहां पे ये कंपोनेंट हम देखेंगे तो ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, इसको हम ये इनवेरिएंट जो है ये है एक्चुअली पी एक्स एक्स पी वाई वाई पी एक्स वाई पी वाई एक्स, ये है एक्चुअली। तो ये जो है मैट्रिक्स से जो वैल्यू मिलेगी वो किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेम होगी, और थ्री डायमेंशन में अगर हम जाएंगे तो यही मैट्रिक्स जो है हमको ये मिलेगी, तो वहां ये जो इन्वेरिएंट है वो ये हो जाए। तो इन थ्री डायमेंशनल केस स्ट्रेस इन्वेरिएंट साथ पहला स्ट्रेस इन्वेरिएंट से सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस कंपोनेंट्स, दूसरा है पी एक्स एक्स पी वाई वाई पी एक्स वाई पी वाई एक्स प्लस पी वाई वाई पी वाई जेड पी जेड वाई पी जेड जेड एंड पी जेड जेड पी एक्स एक्स पी जेड एक्स पी एक्स जेड, ये सेम होगा। एक और बढ़ गया जो ये वाला है, टू डायमेंशन में ये था, थ्री डायमेंशन में यही ये रूप ले लेगा, ये मैट्रिक्स मिलेगी पी एक्स एक्स पी एक्स वाई पी एक्स जेड पी वाई एक्स पी वाई वाई पी वाई जेड जेड एक्स जेड वाई जेड जेड, ये सेम होगा। यानी दूसरे में जाएंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में तो वहां पर भी ये जो मैट्रिक्स होगी उसकी वैल्यू वही होगी जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने देखा, इन जनरल अगर किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे हम सिलेंड्रिकल पोलर या स्फेरिकल पोलर तो वहां पर भी हम देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में जाने पर हमको इस तरह के इनवेरिएंट्स वहां पर मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेस कंपोनेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है उसका रूल। दूसरा ये दिखाता है कि ये रूल वही है जो कि टेंसर ऑफ ऑर्डर टू का है, इस तरीके से स्ट्रेस टेंसर ऑफ ऑर्डर टू है ये पता चल गया, और वहां के इनवेरिएंट्स क्या होते हैं ये पता चल गया। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज स्ट्रेन, उसको हम देखेंगे अगले लेक्चर में।